नमस्कार स्टूडेंट। तो आज हम देखेंगे कि एमएस एक्सेल के अंदर कोई ऐसा डेटा दिया हो तो आपको बेसिक जो फॉर्मूला है तो इसमें आपको जैसे काउंट है तो उसका क्या यूज है, काउंट। फिर काउंट इफ का क्या यूज है, काउंट इफ, और काउंट इफ्स। ये तीन एक्सेल के अंदर जो फॉर्मूला है तो उसका यूज कैसे आप करोगे तो वो आज हम देखेंगे। काउंटा, काउंट इफ और काउंट इफ्स, तो ये बेसिक यहाँ पर है। एग्जांपल में क्या है, ये प्रोडक्ट है, जैसे ये डव शैम्पू है, लोरियल शैम्पू है, सिंथोल सॉप है। इसमें ये टाइप दिया कि ये सॉप है, ये शैम्पू है, सॉप है, शैम्पू, शैम्पू, सॉप, सॉप। फिर ये पर प्रोडक्ट प्राइस है कि एक जो आइटम है उसकी प्राइस ये है, और ये टोटल क्वांटिटी हमने परचेस की है 150, 30, 100, 20, 10, 1200, 500। तो अब हमको जो नीचे ये एग्जांपल दिया है उसमें आपको फाइंड करना है। तो यहाँ टोटल आपको निकालना है, तो टोटल कैसे निकालोगे, तो टोटल आपको करना है यहाँ पर। तो इसके इसके लिए जो फॉर्मूला यूज हुआ इज इक्वल टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट फॉर्मूला आप यूज करोगे। और इसके अंदर ये वाला पर प्रोडक्ट प्राइस है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है नंबर वन में। तो यहाँ ये नंबर वन में ये सिलेक्ट किया, फिर कॉमा करके, फिर टोटल क्वांटिटी, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ पर एंटर। तो ऑटोमेटिक टोटल प्राइस यहाँ पर आ जाएगी कि एक की प्राइस है 16 और आपने 150 क्वांटिटी परचेस की है तो उसका टोटल ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट, इज इक्वल टू प्रोडक्ट करना है। फिर आपको ये पर प्रोडक्ट प्राइस वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, फिर कॉमा करके टोटल क्वांटिटी वो सिलेक्ट, मतलब यहाँ पर क्लिक करो तो C2 आएगा क्योंकि किसी की लाइन में 2 है, और यहाँ पर क्लिक करो तो D की लाइन में 2 है तो D2 आ जाएगा। फिर आपको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करना है, और फिर एक बार आप ला दिए तो फिर आपको क्या करना है, फिल यहाँ कॉर्नर में जाके फिल हैंडल से यहाँ पर फिल करना है। तो ऑटोमेटिक सब का ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि आप कई बार डेटा चेंज करते हो, जैसे यहाँ पर हमने 345 लिखा है, इसकी जगह 245 है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो एक बार आप फॉर्मूला एक्सेल में यूज करते हो, जैसे ये 180 है तो इसका 180 प्राइस है तो 180 करो, ऑटोमेटिक क्या होगा, डेटा चेंज हो जाएगा। तो कोई भी आप डेटा चेंज करो तो ऑटोमेटिक वो प्राइस के हिसाब से आपने फॉर्मूला यूज किया हो तो एक्सेल में ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाता है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर है टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट कितने हैं। यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये टोटल प्रोडक्ट का लिस्ट दिया हुआ है। तो इसमें आपको सिंपल क्या करना है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या आएगा, तो इसके लिए आपको कौन से सेल में आपने लिखा है तो उसके लिए कॉन्टा काउंट ए COUNT टी भी आता है, इसमें ए लास्ट में करना है। काउंट सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की, आप कहां पर आपने न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी है वो सेल, नंबर ऑफ सेल कितने हैं वो काउंट करता है। और ये क्या है कि आपने न्यूमेरिकल लिखा हो या कोई भी टेक्स्ट लिखी हो तो दोनों ही यहाँ पर काउंट ए में आ जाएगा। तो यहाँ पर काउंट ए आपको सिलेक्ट करके फिर इसकी रेंज सिलेक्ट करनी है। यहाँ प्रोडक्ट है तो यहाँ ए टू से शुरू होता है और यहाँ पर ए एट से, तो ए टू जैम ए एट, और फिर आपको ब्रैकेट क्लोज करना है। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, जैसे ये टोटल प्रोडक्ट ही अपनी 7 है तो यहाँ पर आ जाएगी। बाई चांस यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं होती है, जैसे यहाँ पर आप ब्लैंक कर दे तो ऑटोमेटिक वो क्या होगी, 6 हो जाएगी। तो ऐसी तरह यहाँ पर है कि कोई भी डेटा, जैसे यहाँ पर ये 2 प्रोडक्ट नहीं है तो ऑटोमेटिक क्या होगा, 5 आ जाएगा। तो एक बार आप कोई भी फॉर्मूला यूज करो तो फिर बाद में डेटा चेंज करो तो ऑटोमेटिक वो इसके हिसाब से यहाँ पर डेटा चेंज हो जाएगा। फिर दूसरा एग्जाम्पल यहाँ देखे कि टोटल आइटम शैम्पू, शैम्पू की टोटल आइटम कितनी है, कि यहाँ ये है तो इसमें शैम्पू कितने हैं, यहाँ पर 3 है पर बहुत ज्यादा हो तो
या फिर कोई सॉप लिखा है इसकी जगह शैम्पू हो दो, चेंज करो दो, ऑटोमेटिक हो जाए। तो इसके लिए आएगा काउंट इफ, काउंट इफ। और इसमें रेंज है, तो रेंज में ये सिलेक्ट करनी है, ये टाइप वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको रेंज सिलेक्ट करनी है, फिर कॉमा करना है, और फिर क्राइटेरिया में हमको क्या ढूंढना है, शैम्पू ढूंढना है। तो शैम्पू लिखना है, पर डायरेक्ट नहीं लिख सकते, डबल इनवर्टेड के अंदर आपको लिखना है शैम्पू, डबल इनवर्टेड कॉमा, फिर डबल इनवर्टेड कॉमा के क्लोज हो जाता है, फिर यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। तो काउंट इफ, रेंज में ये सिलेक्ट करनी है रेंज, फिर कॉमा करके शैम्पू आपको ढूंढना है, तो इसमें लिखो के शैम्पू ढूंढना है, तो जो लिखना ढूंढना है वो आपको यहाँ पर टाइप करना है, फिर आपको ओके एंटर करना है। तो ऑटोमेटिक यहाँ पर कितने शैम्पू है, दो है। यहाँ पर ये स्पेलिंग मिस्टेक है इसलिए नहीं आया, एस एच ए, यहाँ पर ए करना भूल गए इसलिए। तो टोटल कितने हैं, तीन है। जैसे यहाँ पर ये शॉप है, इसकी जगह हमको मालूम पड़ा कि ये भी शैम्पू होना चाहिए, तो एंटर करो, ऑटोमेटिक क्या आएगा, फोर हो गया। तो ऐसी तरह यहाँ फिर से आपने लिखा कि शॉप है, तो शॉप ऐसी तरह, जैसे ये शैम्पू है, तो इसी जगह हमको मालूम पड़ा कि ये शॉप है, तो शॉप कर दिया, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, टू। तो ऑटोमेटिक आप डेटा कोई भी चेंज करते हो इससे हिसाब से, फिर ऑटोमेटिक फॉर्मूला आपने लगाए हो तो ऑटोमेटिक वहाँ भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए एक्सेल क्या ऑटोमेशन है कि आप कोई भी चेंज करोगे तो ऑटोमेटिक सब में वो चेंज हो जाएगा। फिर लास्ट में टोटल आइटम शॉप, शॉप की टोटल आइटम कितनी है, जैसे ये शैम्पू की लिखी तो हम शॉप का देखना है, तो वो भी सेम ही फॉर्मूला आएगा, इज इक्वल टू काउंट इफ, फिर रेंज सिलेक्ट करना है तो ये पूरी रेंज सिलेक्ट करो, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के यहाँ पर शॉप लिखना है तो यहाँ शॉप ढूंढना है तो शॉप। तो यहाँ टोटल शॉप कितनी है, यहाँ पर चार है। कहीं भी डेटा आप चेंज करते हो तो ऑटोमेटिक यहाँ पर चेंज हो जाएगा। और लास्ट में टाइप ऑफ शॉप हुज प्राइस इज ग्रेटर देन 16। तो जो शॉप है, साबू है, उसमें जो प्राइस है कि पर प्राइस है वो 70 से ज़्यादा हो, 17 से ज़्यादा हो, ऐसी कितनी चीज़ें हैं यहाँ पर, ये ऐसे कितने शॉप है, नंबर ऑफ शॉप, यहाँ पर नंबर ऑफ शॉप टाइप लिखा है, इसकी जगह नंबर ऑफ शॉप। नंबर ऑफ शॉप कितने हैं जिसका यहाँ पर, यहाँ नंबर ऑफ शॉप हुज प्राइस इज ग्रेटर देन 70। तो इसके लिए यूज होगा काउंट इफ्स, लास्ट में इफ्स एस ज्यादा आएगा, इसमें सिर्फ इफ आता है और यहाँ पर एस ज्यादा आएगा इफ। फिर इसमें आपको रेंज सिलेक्ट करनी है, क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में हमको क्या डाला है, यहाँ पर काउंट इफ्स। तो क्राइटेरिया की यहाँ पर रेंज आएगी कि रेंज यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, तो ये टाइप है वो सिलेक्ट करना है। फिर क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया में पहले क्या है कि ये शॉप होनी चाहिए, तो यहाँ कॉमा करके फिर डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर शॉप, फिर कॉमा कर, फिर दूसरी में क्या क्राइटेरिया था कि प्राइस वाला, तो प्राइस की रेंज सिलेक्ट करो। फिर इसमें क्या था कि वो प्राइस कितनी हो, ये 70 से ज़्यादा, तो ग्रेटर देन 17 डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, और लास्ट में क्लोज करना है। तो यहाँ पर क्या था कि हमको ढूंढना क्या था कि शॉप, शॉप टोटल, तो शॉप ढूंढना था। तो शॉप में एक क्राइटेरिया है कि यहाँ से शॉप आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर शैम्पू भी है, और दूसरा क्या था कि यहाँ ग्रेटर देन 70, मतलब 70 से ज़्यादा जिसकी प्राइस हो वो कितनी है, तो यहाँ पर ये प्राइस के लिए, तो दो यहाँ पर रेंज हमको दो सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पहले हमने क्या ये रेंज सिलेक्ट की यहाँ पर, और हमको क्या ढूंढना था, शॉप, तो यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या लिखा, शॉप लिखा। फिर प्राइस का था, तो प्राइस की रेंज सिलेक्ट की, तो यहाँ पर C2 से C8, फिर डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर ग्रेटर देन 17, 70 से ज़्यादा, और ब्रैकेट क्या हुआ, क्लोज हुआ। तो फिर आप एंटर करोगे तो यहाँ पर दो ऐसे प्रोडक्ट होंगे जिसकी एक 18 एक 19 है जिसकी है, जैसे कोई भी, जैसे यहाँ पर आइटम में, जैसे ये आपने प्राइस इसकी थोड़ी ज़्यादा है, जैसे 19 है, तो आप जैसे 19 करोगे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेटा चेंज हो जाएगा।
तो ऐसी तरह ये बेसिक फॉर्मूला का आप यूज कर सकते हो। तो डेली रूटीन में ये सब फॉर्मूला आपको आए, तो कभी भी आपको ये एग्जांपल बेसिक है कि आपने यहाँ पर क्या सीखा, एक तो काउंट ए, फिर काउंट इफ, और लास्ट में आया काउंट इफ्स, एस ज्यादा। तो ये बेसिक काउंट, मतलब आपको कोई भी न्यू नंबर आपको ढूंढना है कि कितने नंबर ये है, तो इसके लिए ये यूज होता है। तो ऐसी तरह ये प्रैक्टिकल एग्जांपल से आप सीख सकते हैं। तो आप भी ऐसे यहाँ पर ये आपको फॉर्मूला सीखना है तो ऐसा एक एग्जांपल बनाइए, फिर यहाँ पर स्क्रीन में देख के एग्जांपल बनाइए, फिर ये फॉर्मूला का यूज करके ढूंढिए। ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।